खोजी टीवी के मुअज्जिज़ दोस्तों, वतन अजीज में इस वक्त मुआफियों का मौसम है। मदर ऑफ आल एनआरओज के बाद डील और ढील उरूज पर है। कल के मुजरिम आज मुअज्जिज़ हो चुके हैं। जो कल जेरे अताब थे, गद्दार थे, अब हुबुल वतनी के सर्टिफिकेट बांटते फिर रहे हैं। कल तक जो लोग सलाखों के पीछे थे, वो आज किंग मेकर बन चुके हैं। इस बहती गंगा में हर कोई हाथ धोने को तैयार बैठा है। ऐसे में एक बार फिर इतलात है कि MQM के बानी अल्ताफ हुसैन की सियासत में वापसी होने जा रही है। उनकी भी ना सिर्फ डील हो गई है, बल्कि इन्हें भी NRO दिया जा चुका है। इन इतलात में कितनी सदाकत है? क्या वाकई लंदन में इनकी किसी आम शख्सियत से मुलाकात हुई? ये डील किसने कराई? अल्ताफ हुसैन की मुआफी मांगने वाली वीडियो क्या इसी सिलसिले की कड़ी है? लंदन में आजकल क्या खिचड़ी पक रही है? और अब इतलात है कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही भी उसी शख्सियत से मुलाकात के लिए लंदन पहुंच गए। आज की इस वीडियो में हम आपको इस सारे मुआजरे से जुड़ी एक्सक्लूसिव तफसीलात बताएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ मजीद डेवलपमेंट्स भी आपको बताते चलें। ताजा खबरों और तजियों के लिए अभी विजिट कीजिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.khojitv.tv। कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने खोजी टीवी की खबर की तस्दीक कर दी है। हमने आपको पहले ही बता दिया था कि जनरल बाजवा फैसला कर चुके हैं कि वो एक्सटेंशन हरगिज नहीं लेंगे, और अब वाशिंगटन में जनरल कमर जावेद बाजवा ने खुद इस बात की तस्दीक कर दी है कि वो नवंबर में रिटायर्ड हो जाएंगे और मजीद तौसीन नहीं लेंगे। जनरल बाजवा के इस बयान के बाद इमरान खान ने नहले पर दैला फेंक दिया है। साबिक वजीर आजम ने आर्मी चीफ के लिए अपनी जानिब से एक नाम तजवीज कर दिया है। कप्तान ने किस जनरल को आर्मी चीफ के लिए नॉमिनेट किया, ये सब भी आपको आगे चलकर बताएंगे। इसके अलावा एक और अहम खबर यह है कि इमरान खान ने लॉन्ग मार्च से पहले हुकूमत पर पार्लियामेंट के अंदर से वार करने का प्लान बना लिया है। यही वजह है कि PTI की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया गया। इमरान खान का क्या प्लान है, सबसे पहले इसी को डिस्कस करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, रजीम चेंज ऑपरेशन के नतीजे में जो मरासला हुकूमत पाकिस्तान में कायम कराई गई, वो सिर्फ और सिर्फ दो वोटों की मार है। अब खबरें आना शुरू हो गई हैं कि बलोचिस्तान अवामी पार्टी और MQM पाकिस्तान समेत दीगर छोटी जमातों ने इलेक्शन से पहले हुकूमत की डोलती कश्ती से छलांग लगाने की तैयारी कर ली। भानमती के इस कुंभे में आपसी इख्तिलाफात भी शदीद हो गए हैं। कुछ वुजरा के दरमियान तो बोलचाल तक बंद है। एक तरफ मौलाना फजलुर रहमान इसलिए नाराज हैं कि इनकी सदर बनने की ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी और इन्हें सिर्फ PDM का सदर बनाकर ही तरखा दिया गया। जब सदारत न मिली तो मौलाना साहब खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नरशिप मांगने लगे। अब यहाँ मसला ये हुआ कि पख्तूनख्वा की गवर्नरी के लिए अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा मियाँ इफ्तिखार का नाम अनाउंस कर दिया गया था, लेकिन अब शहबाज शरीफ को मसला ये था कि अगर ANP को गवर्नरी देते तो मौलाना नाराज हो जाते, और अगर मौलाना फजलुर रहमान को नवाजते तो अवामी नेशनल पार्टी बिदक जाती। इसका हल उन्होंने ये निकाला कि अभी तक बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर्स की तैनाती ही नहीं की गई। सिंध की गवर्नरी का वादा MQM पाकिस्तान से किया गया था, जिसके लिए उन्होंने नसरीन जलील का नाम दिया था, लेकिन यहाँ पीपल्स पार्टी की मुखालफत की वजह से मरकजी हुकूमत नसरीन जलील को गवर्नर नहीं लगा सकी। यही वजह है कि MQM पाकिस्तान और अवामी नेशनल पार्टी, आफ्ताब शेरपाओ की कौमी वतन पार्टी और बलोचिस्तान अवामी पार्टी समेत दीगर छोटी जमातें इस हुकूमत के रवैये से शदीद नाराज हैं और किसी भी वक्त इनसे अलैदगी का ऐलान किया जा सकता है। इनमें से कुछ लोगों ने बाज़ाब्ता तौर पर चेयरमैन तहरीके इंसाफ इमरान खान से राबता किया और नदामत का इजहार किया। इमरान खान हुकूमत में वफाकी वजीर रहने वाले एक साहब ने जब एक जरिए से इमरान खान से राबता किया तो उन्हें यकीन दहानी कराई गई कि अगर पार्लियामेंट में कोई हलचल होती है या तहरीके अदम एतमाद पेश की जाती है तो वो PTI का साथ देंगे। ये पैगाम मिलने के बाद इमरान खान ने कानूनी मायरीन से मुशावरत के बाद फैसला किया कि लॉन्ग मार्च से पहले इस इम्पोर्टेड टोले पर पार्लियामेंट के अंदर से हमला करना चाहिए ताकि इनकी बुनियादें हिल जाएं और फिर नए इंतखाबात की तरफ जाएं। इसी प्लान पर अमल दरामद के लिए इमरान खान की हिदायत पर PTI ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। PTI के 10 अरकाने कौमी असेंबली की जानिब से आईनी तरीके के बगैर इस्तीफे मंजूर किए जाने के खिलाफ दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने समाअत की, जिसमें चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि PTI अरकाने पार्लियामेंट में जाकर अपनी नेक नियति साबित करे। अब अदालत की जानिब से इस हिदायत के बाद हो सकता है कि कप्तान मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए पार्लियामेंट में वापसी का ऐलान कर दे और इसके बाद स्टब्बर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दे। अब देखना यह होगा कि तहरीके अदम एतमाद से पहले PTI नंबर गेम पूरे करने में कामयाब हो सकेगी या नहीं। दोस्तों, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं।
जहां इन्होंने वाशिंगटन में गुफ्तगू करते हुए साफ लफ्जों में बता दिया कि अब मजीद एक्सटेंशन नहीं लूंगा, नवंबर में अपने ओहदे की मियाद पूरी करने के बाद रुखसत हो जाऊंगा। आर्मी चीफ के इस बयान के बाद इमरान खान ने रद्देअमल में कहा कि आर्मी चीफ के ओहदे पर किसी भी शख्स को तैनात किया जाए उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि आर्मी चीफ की तकर्री मेरिट पर हो। खान साहब का कहना है कि दरअसल ये टब्बर मर्जी का चीफ लाना चाहता है, ये सिक्योरिटी थ्रेट है क्योंकि कोई मुजरिम कैसे आर्मी चीफ का फैसला कर सकता है। इमरान खान ने लॉन्ग मार्च की तारीख भी कुछ न कहते हुए बता दी है। उन्होंने कहा कि लॉन्ग मार्च के लिए 16 अक्टूबर तो बहुत दूर है, हो सकता है ज़िमनी इलेक्शंस की नौबत ही ना आए और इस हुकूमत का डब्बा गोल हो जाए। नाज़रीन गिरामी, चंद रोज पहले MQM के कायद अल्ताफ हुसैन की एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई जिसमें वो एक गाना गुनगुनाते हुए माफी मांगते दिखाई दे रहे हैं। वो वीडियो किसी सियासी शख्सियत की कम और किसी मस्करे भांड या मिरासी की ज्यादा लग रही है। खैर, माफी मांगने वाली वीडियो का मकसद दरअसल फैसला साजों को पैगाम देना था कि इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है, लिहाजा बाकी सब की तरह इन्हें भी NRO देकर छोड़ दिया जाए। लेकिन जाहिर है अल्ताफ हुसैन की जानिब से रेड लाइन क्रॉस की गई थी, इसलिए इन्हें इतनी आसानी से माफी मिलने का इम्कान बहुत कम है। लेकिन सवाल यह है कि 2016 के बाद अब अचानक उन्होंने माफी की गर्दान क्यों शुरू कर दी? इसकी वजह यह है कि कुछ टाइम पहले रावलपिंडी के एक पीर साहब का अल्ताफ हुसैन से राबता हुआ। उन्होंने एक फर्जी जनरल का नाम लेकर अल्ताफ हुसैन को जाल में फंसाया कि इनके GHQ में बड़े तालुकात हैं और फलां फौजी अफसर साहब इनके अकीदतमंदों या मुरीदों में से हैं। जिस अफसर का नाम उन पीर साहब ने लिया वो खासे असर रसूख वाले थे, तो उन पीर साहब ने कहा कि वो अल्ताफ हुसैन की रावलपिंडी से डील करवा सकते हैं, लेकिन इसके लिए इन्हें पाकिस्तान का दौरा करना पड़ेगा और इसमें काफी खर्चा होगा। अल्ताफ हुसैन ने कराची वालों का खून चूस कर, खालें छीन कर और भत्ता खोरी से जमा की गई रकम में से चंद हजार पाउंड उन पीर साहब को देकर पाकिस्तान भेजा। अब इन पीर साहब के मुंह को खून लग गया और इन्होंने हीले बहानों से मुख्तलिफ वजूहात का जिक्र करके लंदन से पैसे मंगवाना शुरू कर दिए। वहां से भी भेजे जाते रहे, लेकिन जब पानी सर से ऊंचा होने लगा और वक्त गुजरने लगा तो लंदन से बार बार पूछा जाने लगा, लेकिन हर बार वो पीर साहब कोई ना कोई बहाना बना देते। आखिरकार कई हफ्तों बाद लाखों पाउंड लुटाने के बाद बानिय MQM को अंदाजा हुआ कि इनके साथ हाथ हो गया है, लेकिन अब वो पीर साहब को कहां ढूंढें, लिहाजा चुप होकर बैठ गए। इत्तलात है कि लंदन में कोई बहुत ही आम गैर सियासी शख्सियत मौजूद है और अल्ताफ हुसैन की जानिब से कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से इनसे मुलाकात हो जाए। ये मुआफी वाला वीडियो पैगाम भी इसी सिलसिले की कड़ी है। सीनियर सहाफी नजम सेठी ने दावा किया है कि वज़ीरे आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही भी उसी आम तरीन शख्सियत से मुलाकात के लिए लंदन पहुंचे हैं और हो सकता है कि वो मुलाकात के बाद पंजाब में अपनी वजारत आला बचाने में कामयाब हो जाएं, वरना पंजाब में तहरीके अदम एतमाद लाई जा सकती है। नवंबर से पहले पाकिस्तान के सियासी माहौल में काफी हंगामा खेजी देखने को मिलेगी। आखिर में दुआ है कि अल्लाह हम सबको और हमारे वतन अजीज को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। आमीन सुमा आमीन।